हेलो दोस्तों, मैं मीत गुप्ता। कॉन्टैक्ट नंबर 9772758707। आज का वीडियो है, ये वीडियो है कि मार्केटिंग कैसे करें। सेल्स मैनों के लिए है कि आप मार्केट कैसे करोगे। ये वीडियो में जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने पर्सनल अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ आपको इस बात को। मैं बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। सबसे अलग वीडियो है थोड़ा सा। बड़ी दिक्कत आती है बाजार के अंदर, कोई भी चीज़ लेके आते हैं, कैसा है क्या है, पेमेंट की प्रॉब्लम्स, काफ़ी समस्या आती है। तो देखो, मैं इसमें बताऊँ बिल्कुल खुल के स्पष्ट बातें, कुछ कड़वी वापस आएंगी इसमें, रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सीधा फंडा क्या है मार्केट करने का, एक ही तरीका है। आप अपना सामान आपने लिया, गाड़ी पे निकल गए, दुकानदार को दिखाओ ये चीज़ का भाव है, ये चीज़ है, उसे अच्छे से समझा दो दुकानदार को। अगर दुकानदार आपको रेस्पॉन्स देता है दुकान पे, अच्छे से बात करता है, एक बार जाओ, मानो उसने बोला सेकंड टाइम लेंगे, दूसरी बार फिर चले जाओ, तीसरी बार भी गए, अगर उसने आपको भाव नहीं दिया उस टाइम तक, तो उसकी दुकान पे जाना बंद कर दो। उसके सामने दुकान हो ना, उसको स्टार्ट करो, आसपास की दुकानों पर करो, चक्कर मत काटो उनके। अगर दुकान पर देखते हो बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, दुकान पर चढ़ो होती 90%, तो फिर होता क्या, वो ये बोलते हैं पापा लेंगे, बेटा लेगा, ये सब चीज़ चलती हैं। एक बाज़ार में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आजकल, आप कोई भी चीज़ लेके आओ, पेमेंट की, पेमेंट कंडीशन बिल्कुल कैश हो। आप माल बेच रहे हो, उसे माल दबो मती माल बेचने के अंदर। अगर आप उधारी लेके आते हो, कभी भी एक बार उधार दिया, सेकेंड टाइम गए कई पेमेंट नहीं है उनके पास, तीसरी बार गए कभी वाइफ बैठी है, कई बच्चे बैठे हैं, तो ये चक्कर काटते हो ना पेमेंट के अंदर, एक चक्र भी होता है, चक्र भी उधार का। इसमें क्या होता है, आपकी पूंजी लग गई, आपको आगे पैसे देने हैं या फिर दे चुके हो, ठीक है, ओके। लेकिन आपके पैसे से वो लोग खेल खेलते हैं, आपके पैसे के मजे ले जाते हैं, तो आप खुद परेशान हो जाते हो। तो अगर छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो उधारी बिल्कुल मत दो। अब इस पर सवाल ये आता है कि अगर हम उधार नहीं देते माल नहीं बिकता, ऐसा नहीं है, माल बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। दिक्कत कहाँ आती है कि हम लोग 50 दुकानें, 100 दुकानें, 40 दुकानें होती है ना, उसमें सिमट जाते हैं कि हाँ उन्हीं को माल देना है हमको। उसकी जगह पे आगे बढ़ते जाओ, अपने स्कूटर को आगे बढ़ाते जाओ, आसपास आगे बढ़ो, 100 काउंटर नए चालू कर लो। मानो कि 20 इसमें कट भी गए बाल को, तो भी आपके 80 नए चालू हो गए। कुल मिला के मेरा कहना यही है, किसी भी आदमी के पास आप 10 बार जा रहे हो, उसको कन्वेंस कर रहे हो, ऐसा करना बेवकूफ़ी होती है मेरी तरफ से। लोग उसकी जगह पे आप नए काउंटर्स पकड़ो कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो दबके माल मत बेचो किसी से। आप ना दबाने की ज़रूरत है, लेकिन दबने की ज़रूरत भी नहीं है किसी दुकानदार से आपको। आप नए दुकानदार पकड़ो, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जितनी ज़रूरत आपको उनके लिए है, उतनी आवश्यकता उनको भी होती है। ये केवल दिखाने के नाटक होते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि काफ़ी कॉल्स आए थे इसके लिए कि मार्केट में ये परेशानी आ रही है। तीसरी बात, एक बहुत अच्छी बात होती है, कस्टमर खड़े हैं उसके पास। जब कस्टमर खड़े हैं ना, उनके सामने आप आइटम हो सके तो दिखाओ मती, वेट कर लो 5 मिनट का। वो इसलिए भाव बताने में आपको उसमें दिक्कत होगी। दुकानदार जो होता है ना, वो हमेशा यही चाहता है कस्टमर के सामने आप उस चीज़ के रेट्स नहीं बोलो, तो उनके सामने भाव मत दिखाओ और उनके हटने के बाद में दिखाओ। माल बेचो, खुल के बेचो, बिना किसी से दबे। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका माल लेगा तो ही आपका काम चलेगा, आपकी रोजी रोटी उससे नहीं चल रही। नए काउंटर्स पकड़ते जाओ, नए काउंटर्स पकड़ते जाओ, बस यही मार्केट का पूरा सार है। सारा खेल इसी में डिपेंड है बाजार का।